हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास ट्वेल्थ जनरल इंग्लिश का लेसन 17 है द फन दे हैड, एक मज़ा जो उनके पास था। इसके कम्प्रहेंसन को टोटल 11 क्वेश्चन है, वन बाई वन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो को। टोटल 11 क्वेश्चन है, वन बाई वन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो उसने जो लिखा था, हमने स्टोरी पढ़ी है, तो उसका आंसर है सी रोट दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, रियल बुक मिली। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, कि उनकी जो खोज थी उसके बारे में क्या स्पेशल था। तो उसका आंसर है द स्पेशल अबाउट इट वाज दैट द बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। जो स्पेशल था वो ये था कि जो बुक थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन अ रियल बुक एंड अ टेली बुक डिड टॉमी पॉइंट आउट, कि जो एक रियल बुक थी, वास्तविक किताब थी, और जो टेली बुक होती हैं उन दोनों के मध्य क्या अंतर है जिसे टॉमी ने बताया। तो इसका आंसर बनेगा द रियल बुक वाज पॉइंट प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो वास्तविक किताब थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई थी, वाइल जबकि टेली बुक्स वर सोन ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, लेकिन जो टेली बुक्स थी वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती थी। ये दोनों में अंतर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम, जो मार्गी थी उसे स्कूल से नफरत क्यों थी या वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी खासकर उस समय। तो उसका आंसर है सी हेटेड स्कूल, उसे स्कूल से नफरत थी क्योंकि बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि जो यांत्रिक शिक्षक था वो उसे एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा और बुरा करती जा रही थी, इसीलिए उसे स्कूल से नफरत थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब द काउंट इंस्पेक्टर, कि जो काउंट इंस्पेक्टर था उसका वर्णन कीजिए, वो किस प्रकार था। तो उसका आंसर है He was a round little man with a red face and a whole box of tool with dial and wires. और वो एक गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति था जिसका लाल चेहरा था और वो पूरे यंत्रों या डाइल्स और वायर्स का एक पूरा बक्सा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, What was wrong with Margie teacher? कि जो Margie का टीचर था उसके साथ में क्या दुर्घटना हुई या क्या गलत हो गया था। तो उसका आंसर है इट्स जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उस मैकेनिकल टीचर का जो जियोग्राफी सेक्टर था, भूगोल का जो सेक्टर था, वो थोड़ा तेज हो गया था, या यूँ कहा जाए कि वो आगे बढ़ गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, What kind of school did the book describe? उस किताब में किस प्रकार के स्कूलों का वर्णन है। तो इसका आंसर किया गया, तो इसका आंसर है It was a kind of school that had a main teacher. इस प्रकार के स्कूल थे जहाँ पे एक मानव शिक्षक था and had a specific building, और जिसकी एक विशिष्ट भवन था, and all kids went there to learn same thing. और सारे जो बच्चे थे वो एक ही चीज़ को सीखने के लिए वहाँ पे जाते थे, इस प्रकार का वहाँ पे वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट, हाउ वाज द मैकेनिकल टीचर सुपीरियर टू अ ह्यूमन टीचर, कि जो एक यांत्रिक शिक्षक है वो एक मानवीय शिक्षक से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर है मैकेनिकल टीचर इज स्मार्टर देन अ ह्यूमन टीचर, कि जो मैकेनिकल टीचर है वो एक ह्यूमन टीचर से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, श्रेष्ठ है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एडजस्टेड
टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, क्योंकि इसे प्रत्येक लड़के या लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट कर दिया जाता है दैट इज टीच जिसे ये पढ़ाता है। तो इस प्रकार जो मैकेनिकल टीचर है वो ह्यूमन टीचर से कहीं बेहतर है। वाई वॉज मार्गी कन्फ्यूज वेन सी हर्ड दैट ऑल द किड्स वर टॉट द सेम थिंग्स इन द स्कूल ऑफ द पास्ट। जो मार्गी थी वो कन्फ्यूज क्यों हो गई जब उसने सुना कि जो सारे बच्चे थे वो स्कूलों में या प्राचीन समय स्कूलों में जाकर एक ही प्रकार की चीज़ों को सीखते थे। तो ऐसा सुनने के बाद उसे असमंजस क्यों हुआ? उसका आंसर है सी वॉज कन्फ्यूज अबाउट इट। वह इसके बारे में असमंजस में पड़ गई क्योंकि बिकॉज इन हर टाइम, क्योंकि उसके समय ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का लड़की लर्न डिफरेंटली, वो अलग अलग तरीके से सीखते थे, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ या असमंजस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन व्हाट वे वुड द स्कूल ऑफ फ्यूचर डिफर फ्रॉम दोज टुडे, कि किस प्रकार जो भविष्य के स्कूल होंगे वो आज के स्कूलों से भिन्न होंगे, उनको बताना है। तो उसका आंसर है टुडे स्टूडेंट्स आर टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर द सेम थिंग्स। आज छात्रों को एक मानवीय शिक्षक के द्वारा एक समान चीज़ें सिखाई जाती हैं, वाइल इन फ्यूचर, जबकि भविष्य में स्टूडेंट विल बी टॉट बाय ओनली अ मैकेनिकल टीचर। छात्र को एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, विच एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, जिसे उस छात्र के अनुसार ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड। इस टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, पुष्टि कीजिए कि द फन दे हैड की एक मज़ा जो उनके पास था किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर है द टाइटल इज सुटेबल, ये जो शीर्षक है वो सुटेबल है, टॉमी एंड मार्गी फाइंड अ ओल्ड बुक एंड लर्न हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट इन द पास्ट। टॉमी और मार्गी जो हैं वो एक पुरानी किताब को ढूंढ लेते हैं जिनमें वो देखते हैं कि कैसे जो पुराने स्कूल थे वो आज के ज़माने से भिन्न थे, है ना, एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल्स हैड, और किस प्रकार जो बच्चे थे उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके पास मज़े होते थे। इट गिव्स अ ग्लिम्पस ऑफ फ्यूचर स्कूल, और साथ ही साथ ये एक भविष्य के जो शिक्षा है उसकी भी झलक को दिखाती है। तो इस प्रकार ये जो शीर्षक है द फन दे हैड वो सुटेबल है। तो ये थे हमारे टोटल 11 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।